जैसे जैसे अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन नजदीक जाता जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के प्राण निकलते जा रहे हैं और कांग्रेस अब नए नए सत्य गढ़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के नेताओं ने पहले भगवाधारी साधु संतों को, टीका लगाने वालों को, मंदिर जाने वालों को आतंकवादी कहा, गुंडा कहा, लड़की छेड़ने वाला कहा और श्रीमान दिग्विजय सिंह ने तो हिंदू धर्म को धर्म नहीं माना, गाय को गाय माता नहीं माना और आतंकवादियों से जीत लेकर संबोधन किया। उसी परंपरा को आगे रखते हुए कांग्रेस के एक और युवा नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने एक नया शब्द और पैदा कर दिया, नफरती हिंदू। आदर जब देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा था, स्वयं कांग्रेस की गवर्नमेंट के सामने आतंकवादी धमाके कर रहे थे, बंबई को हिला देने का कांग्रेस के शासन में आतंकवादियों ने काम किया था, उस समय देश एक सुर में कह रहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ो, देश तुम्हारे साथ है। और आतंकवादियों के खिलाफ अगर हमारी पुलिस, हमारी सेना कार्रवाई कर रही थी तो कांग्रेस एक शब्द गढ़ रही थी कि भगवा आतंकवाद। ये शब्द कांग्रेस ने गढ़कर साधु संत और हिंदू समाज का काम करने वाले लोगों को यह शब्द किया। अब कांग्रेस ने एक नया शब्द रचा। पहले कांग्रेस के एक नेता बोले खरगोन में जिनने दंग, जिनने आगजनी की, जिनने लोगों के घर जलाए, जिनने बहन बेटियों के साथ छेड़खानी की, जिनने दुकानें जलाई, जिनने मंदिर तोड़े, जिनने शोभा यात्रा पर पथराव किए, उनको बचाने के लिए कांग्रेस ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि अगर ऐसा होगा, हमारी सरकार बनेगी तो हम जांच करेंगे और हम इनको बचाएंगे। हम कांग्रेसियों से कहना चाहते हैं कि इतनी ही मोहब्बत तुम्हारा आतंकवाद और दंगाइयों से है तो हमारी तरफ से भी कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारी सरकार किसी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती और देश में नहीं बनेगी, लेकिन जो छत से पत्थर फेंकेगा वो छत जरूर टूटेगी, जो बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करेगा वो हाथ भी तोड़े जाएंगे, जेल में भी डाला जाएगा, और जो रामदेव और कृष्ण और महावीर और गौतम बुद्ध और गुरु नानक की शोभा यात्राओं पर पथराव करेंगे उनके भी वही हाल होंगे जो हम आतंकवादियों के करते, उनके भी वही हाल किए जाएंगे। एक शब्द श्रीमान जीतू पटवारी जी ने, नफरती हिंदू। क्या हिंदुस्तान का कांग्रेस को छोड़कर सारे हिंदू नफरती दिखता है? क्या जो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात करते हैं वो नफरती हैं? आखिर क्या कहना चाहते हैं? ये वही कांग्रेस है जब पिछले चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी ने मुसलमानों की सभा में कान में लेते हुए कहा, तुम डटकर मतदान करना नहीं तो भाजपा जीत जाएगी और भाजपा जीतेगी तो क्या करेगी। ये मुसलमानों को सतर्क करा था कमलनाथ जी ने। अरे कमलनाथ जी और कांग्रेस और जीतू पटवारी जी और उनकी अली बाबा 40 चोर की जो कंपनी है, उसको हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि भाजपा जब राम मंदिर का पोस्टर लगे तो पूरी कांग्रेस को फीवर आ जाता है और राम मंदिर का पोस्टर हटाने के लिए वो आयोग में जाकर शिकायत दर्ज करती है, महाताल का पोस्टर लगे तो शिकायत दर्ज करती है। आखिर कांग्रेस किससे प्यार करती है? कांग्रेस किसके साथ है वो बताती क्यों नहीं है? जब पीएफआई पर कार्रवाई हो तो दिग्विजय सिंह स्टेटमेंट देते हैं कि 96% फेक कार्रवाई है। अरे दिग्विजय सिंह जी, अरे कमलनाथ जी, अरे जीतू पटवारी जी, अरे रवि जी, और तो और एक महान प्रवक्ता के जी, वो तो बाबरी मस्जिद को शहीद ही कहते हैं, शहीद हो गई। अरे इतना ही मोहब्बत है तुम्हें बाबरी मस्जिद से तो खुल के कहो कि कार सेवकों ने गलत किया। और उनने उस दिन स्टेटमेंट दे के कहा कि रामेश्वर शर्मा तो गुंडे हैं, क्योंकि ये उस दिन 6 दिसंबर में कार सेवक थे। हम डंके की चोट पर कहते हैं कि 6 दिसंबर में हम कार सेवक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।